गुरु के सवारे हो, गुरु के प्यारे हो। मेरा सतगुरु नानक चैनल तुसी सब्सक्राइब भी किया होया है, अगे भी ये सेवा निभा रहे हो। बड़े वीर भैन सेवा निभा रहे ने, असी उन्हां दे धन्नवादी हाँ। सो प्यारे हो, अज दी जिहड़ी वीडियो है वह कुछ इस प्रकार की है कि दुनिया विच सारे लोग गुरु नूं लभण लगे हुए ने, भाल जारी है, गुरु नूं लभ रहे हैं पर गुरु साहब मिल नहीं रहे। पता क्यों, उहदा कारण की है? उहदा कारण यह वे कि असी असल मायने विच गुरु नूं पछाण नहीं रहे। किसी नूं मिल जांदा है, किसी नूं नहीं, पर सिखां नूं ये माण प्राप्त होया, बड़े बड़े पद्धर ते माण है कि गुरु नूं लभण दी लोड़ नहीं। साडे कोले धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह हन। गुरु नूं मिल के असी अपने कार्ज सवारने ने। गुरु नूं मिलना किवें है ये आपां जिक्र करांगे। सो प्यारिओ, अज समझण दी लोड़ है, बड़े वड्डे पद्धर ते समझण दी लोड़ है। कहिंदे ने कोई बंदा है वह बीमारी नाल मर रहा है, पर हकीम सी भगत कबीर जी फरमाउंदे ने कि वह भी मर रहा है क्योंकि उस अंदर भी रोग पैदा हो रहे ने, इस दी जान दा कारण जो बन रहे ने। कहण तो भाव यह भी कि एक बंदा रोग तो पीड़ित है, वह दवाई लैके ठीक हो जाता है, कई मर जाते ने अपनियां बीमारियां दे कारण, पर जो उन्हां दा इलाज करते ने हकीम वैद डॉक्टर आदि, कहिंदे वह भी बचे हुए नहीं, वह भी अपने रोगां तो दुखी बड़े ने, जो इन्हां दी जान दा कारण बने हुए ने। भगत कबीर जी इत्थे उन्हां रोगियों बारे बचन कर रहे ने, अंदरों विकारां कारण रोगी जो होए ने, जिन्हां नूं पता लग गया मेरे अंदर क्रोध की बीमारी, अंदर ईरखा निंदा बेईमानी झूठ आदि की बीमारी है, इन्हां बीमारियां कारण वह मरदे जा रहे ने। पर भगत जी नाल ये भी फरमाते ने कि बचिया वैद भी नहीं, डॉक्टर भी नहीं है, भाव वह इंसान जो रोगियों नूं ठीक करन दा दावा करदा सी, जो होरां विच्चों विकार कढ रहा सी, वह भी मर रहा है क्योंकि उस अंदर रोगी नालों भी भयानक रोग है। वह होमें दा रोगी हो गया, उस अंदरों लोभ दा रोगी हो गया, उस अंदर वड्डा रोग होण दा कारण पैदा क्यों होया, क्योंकि इन्हां चीज़ां विच उह आप गरसिया गया। इसलिए वैद भी भाव झूठे, संत बाबे प्रचारक भी झूठे, भाव कि अंदर लोभ दी अग्नि ईरखा द्वैश चल रहा अंदर, इन्हां रोगां तो वह लोग पीड़ित ने। हालत दोहां दी यह है कि इन्हां दी सारी दौड़ भज बस इस चीज़ वास्ते रह गई, अपने लोभ की पूर्ति दे लई रह गई। इन्हां दे ज्ञान इंद्रे आपो अपने विषय भोगां नूं हो रहे ने, एक भगती तो वांझे रहण करके ये सब लोग आत्मक मौते मरे पए ने। मौत अंदरों चल रही है, अंदर आत्मक मौत हो रही है, जमीर मर चुके ने। सिर्फ वह मनुख आत्मक मौते नहीं मरदा जिसका कोई संगी साथी ज्ञान इंद्रा भोगां दी खातर नहीं हो रहा, भाव जिहड़े चंगे काम करदे ने, अजिहा मनुख सिर्फ उही हो सकदा जो प्रभु दर नहीं छड्डदा, जो सिर्फ ते सिर्फ रब्बी हुक्म विच जिउंदा है, उसनूं कोई विकार मार नहीं सकदा। ते भगत कबीर जी पता की कहिंदे ने, कबीर वैद मुआ रोगी मुआ सब संसार, एक कबीरा ना मुआ जेह नाही रोवन हार। इस श्लोक दे एक होर तरीके नाल भी अर्थ किते जा सकते ने, भाव कि रोगी भी मर रहा है, वैद भी मर रहा है, सारे संसार विच मर रहे ने, सिर्फ एक कबीर भाव रब ही है जो नहीं मरदा, वो परमात्मा ही है जो कि सारा संसार चला रहा है। यह शब्द
धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज के अंग 1368 के उपर सुभाए मान है। तो प्यारो इस शब्द का जाप करन दे नाल वड़े वड़े रोग जड़े ने वो दूर हो जाते हैं। कदे तुसी भी इस गल का तजर्बा करके वेखियो। सो प्यारो मेरे कहन तो भाव यह वे कि डॉक्टर हकीम बैद जिहड़ा रोग है ना बाहरों होया उन्हूं ठीक कर देंदे ने, जो शरीर नूं चिंबड़िया है, जो मन नूं रोग चिंबड़े ने उन्हां दा इलाज सिर्फ गुरु कोले है, किसे इंसान बाबे वैद फकीर डॉक्टर कोले नहीं है। भाव कि उहदा इलाज जो मानसिक रोगी है उहदा इलाज सिर्फ धन गुरु ग्रंथ साहिब कोले है, गुरु कोले है। सो वो आपां दूर करना है जिहड़े रोग अंदर चिंबड़े ने, काम क्रोध लोभ मोह हंकार एक दूसरे नूं नीवां दिखाउण दा, अगे भज दौड़ लगी हुई है, अगे निकलण दी, चाहे पैसे की दौड़ होवे, चाहे गुणा की दौड़ होवे, चाहे वह किसी प्रकार का लोभ हंकार होवे, बस इहो ही आपां खत्म करना है। ये बड़े रोग ने, ये दिखते नहीं पर इन्हां दे सिट्टे बड़े भयानक निकलते ने। ये चीज़ां आपां जरूर खत्म करनियां ने, फिर किते सही मायनियां विच असी सही इंसान बन पावांगे। इन्नियां कु बेनतियां प्रवान, मेरा सतगुरु नानक चैनल नूं मना मोही तुसी प्यार दिता, धन्नवादी हाँ। तो इस तरह प्यार बख्शिश करते रहो, लाइक कमेंट करके अपने प्यार दी होर ज़्यादा वड्डी मजबूती बनाउंदे रहो। बुलाओ फतेह जी, आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।